गायज वेलकम टू पी एम पाठशाला आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू एनालिसिस में ट्वेंटी ऑफ फेबररी आज नेशनल साइंस डे भी है और बहुत सारी आज हम न्यूज़ लेकर आए हैं गायस टू दस डिस्कस एट सबसे पहले ना गायस जैसा हमारा प्रैक्टिस चल रही है कि लेस डिस्कस अबाउट ई यूपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन ठीक है या विद रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स ठीक है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप बताओगे भी और इससे रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन पढ़ के इसमें जवाब भी देना है इसमें क्या देखो पहला ऑप्शन जैसे दे रखा है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूज अ कूपन रोड रेट सॉरी ऑन इट्स बॉर्विंग बाई वे ऑफ आई आई बीज

पहला ऑप्शन दे रखा है कि दे केन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेसेस सेकंड ऑप्शन दे रखा है द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स टू देर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड तो यहाँ पर ना आपको करेक्ट स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग ढूंढनी है फॉरन ओन्ड ई कॉमर्स से रिलेटेड ठीक है थर्ड क्वेश्चन इज दिस कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकॉनमी तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कि फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इंटू फैब्रिक्स कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी फोर्थ इज़ दी कॉरपोरेट बॉडी इशू रूपी डोम डोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज इन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करके बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके रिगार्डिंग फिट बैठेगा तो आपको ये कमेंट बॉक्स में गायस इसका आंसर भी मिल जाएगा बट आपको भी अपनी तरफ से ट्राई करना है अब हम देखते हैं गायस आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखो सबसे पहले ही ना आपको मिलेगा अग्निपथ स्कीम इज़ इन दी नेशनल इंटरेस्ट एज पर दी डेली हाईकोर्ट लेकिन हमको हाँ इसमें जाना नहीं है हमें जानने की ज़रूरत है कि अग्निपथ स्कीम क्या है ठीक है तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट दी अग्निपथ स्कीम देखो अग्निपथ स्कीम ना बेसिकली अलाउ करती है किसी भी पेट्रोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ को कि वो आर्म्ड फोर्सेस में फोर इयर्स के पीरियड के लिए सर्व कर सकते हैं ठीक है इस स्कीम के तहत ना कोई भी यूथ अगर आर्मी को ज्वाइन करता है तो उसको क्या कहा जाएगा अग्निवीर तो यूथ को रिक्रूट करा जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आर्मी में और अंडर द न्यू स्कीम क्या बोला गया है कि अराउंड फोर्टी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड एनुअली एंड उनको सारी की सारी सर्विसेज फॉर जस्ट फॉर फोर ईयर्स दी जाएंगी तो हावर आफ्टर फोर ईयर्स ऐसा नहीं कि सब कुछ तो उसमें से जो भी पच्चीस बैच होगा ना उसको वापस से भी रिक्रूट कर सकते हैं करा जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें जाने के लिए तो इट इज़ ओनली फॉर दोज पर्सन जो ना बिलो ऑफिसर रैंक्स होते हैं जो कि डू नॉट जॉइन द फोर्स कमीशनड ऑफिसर्स ये कमीशनड ऑफिसर्स क्या होते हैं आर्मी के हाईस्ट रैंकड ऑफिसर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं एक्सक्लूसिव रैंक इन इंडियन आर्म फोर्सेस ठीक है अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ पावर तो एस्पिरेंट जो होगा ना इसका अग्निवीर का वो उसकी एज होनी चाहिए 17.5 पॉइंट फाइव से लेके 23 साल तक वो अप्लाई कर सकता है अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्यों अग्निवीर स्कीम लेकर आई गई है तो इसका मतलब मकसद यही है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए पेट्रोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ में जो जज्बा बेसिकली डाला जाए कि वो आर्म फोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू तो ब्रेक डाउन एवरेज एज प्रोफाइल जो होता था आर्म फोर्सेस का बाय अबाउट फोर टू फाइव इयर्स को करने की कोशिश की गई है तो स्कीम में बेसिकली कोशिश करा जा रहा है कि जो एवरेज एज इन दी फोसेज थर्टी टू ईयर्स टू दिस दि विल भी गो डाउन टू ट्वेंटी सिक्स इन सिक्स टू सेवन ईयर्स में ऐसा कोशिश की जा रही है तभी वो इस तरह की ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करेंगे आपको कि आप इस एज को ताकि वो कम कर पाएँ ठीक है दिस इज अबाउट गैस दिस न्यूज ठीक है नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज गायस कि आज नेशनल साइंस डे भी है गायस तो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट नेशनल साइंस डे कि वॉट इज द थीम ऑफ दिस वे दिस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री है ना टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री उसमें देखो नेशनल साइंस डे के लिए देखो ये तो हमारे सी वी रमन जी हैं और नेशनल साइंस डे हर साल की तरह जैसे कि आज ट्वेंटी एट फेबर है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है किसकी याद में रमन इफेक्ट किए तो उसमें और सी वी रमन हम जानते हैं क्योंकि थे थे ऑन हिस डे ठीक है इन 1928 और इसके अलावा गए समझने की ज़रूरत है कि 1986 में ना नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट कराया कि भाई ट्वेंटी एट को हमें नेशनल साइंस डे बनाना चाहिए तो थिंक नाइन्टीन हर साल ही इस इवेंट को ऑल ओवर द कंट्री स्कूल्स कॉलेज सब जगह पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है इसका इंपॉर्टेंस ये है गए कि ना साइंस एंड उसके एप्लीकेशंस को प्रोबोगेट करना लोगों के बीच में पर्पज़ ये है कि लोगों का साइंटिफिक टेंपर बढ़े साइंस का पॉपुलराइजेशन बढ़े इंक्रेजमेंट मिले ठीक है इनोवेटिव एक्टिविटीज ताकि लोग और ज़्यादा ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट में आए ताकि मासिस भी ऐसा करें तो क्रिएट करना पॉजिटिव साइंटिफिक रिसर्च कर जाए इस बार की थीम याद रखना 2023 की नेशनल साइंस डे की दैट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलफेयर एक ना एयरपोर्ट के बारे में गैस दिया हुआ है शिवमोगा शिवमोगा एयरपोर्ट के बारे में रिसेंटली मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको ना इनाग्रेट करा है ठीक है और ये भी एड्रेस किया था कि अब ये जो है ना ध्यान रखना कर्नाटका के अंदर है ये न्यू एयरपोर्ट है सोगाने नियर शिवमोगा इन कर्नाटका सत्तर साल हो गए हैं ना हम इंडिया के इंडिपेंडेंस तो ओनली बहुत ज़्यादा ना बिगर सिटीज़ में डेवलपमेंट विटनेस किया गया है ये छोटे छोटे कस्बों में शहरों में जाकर डेवलप करना भी ज़रूरी था और उसके बाद ना हमारे पास वो भी है कि हमारा उड़ान प्रोग्राम भी चल रहा है जिसकी ना इंटेंशन ये है कि जो पुअर लोग हैं ना वो भी एयर ट्रेवल एक्सपीरियंस कर पाएँ ठीक है तो जो एयर ऑफ इन शिव मोगा हेवल ओपन द गेट वे टू अपॉर्चुनिटी ऑफ पीपल ऑफ मलनाड रीजन जो मलनाड रीजन है ठीक है वहाँ पर ये करने के लिए तो गाइज ये वाली न्यूज़ भी आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर ना मलनाड में लोगों को अच्छा एक उड़ान स्कीम से कनेक्ट करने का तरीका अपनाया गया है इसीलिए मोगा एयरपोर्ट हम ना कंस्ट्रक्ट करके और वहाँ पे इनोग्रेशन मिस्टर मोदी ने किया है Guys, जो ना एडिटोरियल सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा सो तो वही डिस्कस करते हैं हम दैट इज अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल्स आपके इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ना देखो एज पर द ऑथर देखो ये कह रहे हैं कि ना ई e वेस्ट को मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग है और ये ना परसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है अगर आप ना रैपिड अर्बनाइजेशन की ग्रोथ देखो डिजिटलाइजेशन देखो पॉपुलेशन ग्रोथ देखो तो इन तीन तीनों फैक्टर की वजह से हमारा ई e वेस्ट तो बहुत बढ़ता जा रहा है तो जो पहला ई वेस्ट रूल सेट हुआ 2011 में उसको नोटिफाई करा गया और इफेक्ट में डाला गया 2012 में इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स आए थे वो ये आए थे कि ना हमें ना ई करना है इज़ हमें इंट्रोड्यूस करना है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अंडर ई क्या होगा जो कंप्लाइंस होगा प्रोड्यूसर की साइड का वो और बढ़ जाएगा मतलब क्या करना है उसको वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से ना सेफ डिस्पोजल कराएगा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स का जब अगर वो कंज्यूमर्स को डिस्कार्ड कर देता है तब तक भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि ठीक है तो ई वेस्ट रूल्स के बाद 2016 में आए जिसको अमेंड करा 2018 में उसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव और उसमें प्रोविजन डाले गए कि कैसे ऑथोराइजेशन को प्रमोट करना है ठीक है और प्रोडक्ट्स स्टीवर्डशिप करनी है वो प्रोडक्ट्स स्टीवर्डशिप का मतलब होता है कि हमें ना एक ऐसा एक्ट मिले जिसकी वजह से ना हमें मिनिमाइज करना है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट जो प्रोडक्ट्स पे उसकी लाइफ साइकिल पर उसकी लाइफ साइकिल स्टेजेस पे बढ़ता है वो और ध्यान में रखना है कि हमें ना मैक्सीमिंग uh, करना इकोनॉमिक बेनिफिट को ठीक है तो हम प्रोडक्ट्स रीवर्ड शिप करते हैं समझ रहे हो आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग और बनाने के चक्कर में हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का हम अच्छे से उसको ख़राब करते हैं अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए तो प्रोडक्ट्स रीवर्ड शिप इज़ दैट ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह कह रहा है कि ना अदर कैटेगरी भी हमने लेकर आए डेट इज़ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पी अब ना इसमें ना इंट्रोड्यूस किए गए कुछ और रूल्स फिर उसके बाद ना नवंबर 2022 में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने फर्दर नोटिफाइड करा नए सेट ऑफ रूल्स को जो कि फोर्स में आया आएगा अभी अप्रैल 1 2023 में इसमें ना और क्रिटिकल इश्यूज़ को ना देखा गया है लेकिन कुछ इशूज़ फिर भी कहा जा रहा है कि छूट गए हैं अब ना इसमें प्रोविजन डाला गया है कि जो ई पी आर है यानी कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जो फ्रेमवर्क है तो फॉरमोस्ट उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ना हम ना स्टेक होल्डर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू करें यानी कि स्टेक होल्डर्स कौन होंगे इसमें मैनुफैक्चर प्रोड्यूसर रिफर्बिशर रिसाइकलर ठीक है अर्लीयर प्रोविजन में ना इतना ऑथराइजेशन स्टेक होल्डर्स के इंपॉर्टेंस को नहीं समझा गया था वीक मॉनिटरिंग सिस्टम था ट्रांसपेरेंसी थी नहीं कम्पलाइंस पे नेडिक्वेसी से चला जा रहा था तो जितने भी रिफर्बिशर्स होते हैं रिपेयर शॉप्स आपके दिल्ली में हैं उनको ना अंडर दी नॉट अथोराइज अंडर द सी पी सी बी यानी कि उसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑथराइज नहीं करा हुआ है तो फर्दर बहुत सारे जो आपके फॉर्मल रिसाइकलर्स हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं प्री प्रोसेसिंग सेग्रीगेशन स्टेज करना एंड देन देर आफ्टर चैनलाइज करना ई वेस्ट टू द इनफॉर्मल सेक्टर विच इज़ प्योर वायलेशन ऑफ लॉ तो ना क्या होता है कि डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच जो है आपकी न्यू टू थाउजेंड में उस भी चैलेंज को उसने सबसे पहले इस वाले चैलेंज को एड्रेस करा उसने क्या करा स्टैंडर्डाइज बनाया कि ई वे ना वैल्यू चेन को उसने कहा कि भाई कॉमन डिजिटल पोर्टल होगा ताकि ना ट्रांसपेरेंसी और ना फ्रिक्वेंसी जो है पेपर ट्रेडिंग की या जो आप प्रैक्टिस करते हो फॉल्सली क्या करते हो आप आप दिखा देते हो कि हंड्रेड पेपर कलेक्ट हो गया है जबकि कलेक्ट uh, तो नहीं हुआ होता अपने स्क्रैप करके उसको बेसिकली अपने टारगेट को पूरा करते हुए दिखा देते हो तो कह रहा है जो ना कि इनफॉर्मल सेक्टर लेफ्ट आउट हुआ हुआ है तो उसकी वजह से क्या क्या आप दिख करते हैं देखिए कह रहा है कि दो इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं है ना अगर आप चाहते हो एफिशेंट ई वेस्ट रिसाइकल हो तो उसका एक होता है कॉन्सेप्ट होता है कॉम्पोनेंट रिकवरी यानी कि ना एडिकुएट तरीके से एफिशेंट तरीके से आपने रेयर अर्थ मेटल्स को रिकवर करा है ताकि आपको वर्जिन रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा झुकना ना पड़े फिर एक कॉन्सेप्ट होता है रेसिडुअल डिस्पोजल का यानी कि आपने सेफ डिस्पोजल करा जो भी लेफ्ट ओवर रेसिडुअल आपके ई वेस्ट रिसाइकलिंग के समय पे रह गया था उसका भी आपने सेफ डिस्पोजल करा दो कंपोनेंट समझ आ गए कंपोनेंट रिकवरी एक रेसिडुअल डिस्पोजल है ये आपके इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं एफिशेंट ई वेस्ट रिसाइकलिंग यही सब तरीके से ना आपको आंसर्स बनाने होते हैं ठीक है यूज़ दीज वर्ड्स मोबाइल राइटिंग और आंसर्स तो उसके बाद यह कह रहा है कि जो रूल ब्रीफली ना दो आस्पेक्ट्स को टच करता है लेकिन क्लियरली नहीं बताता कि कैसे रिकवरी टेंजेंट इंश्योर करना है तो रिसाइकलर्स को अब क्या कहा गया है कि आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी आपको एक सिस्टम में रिकॉर्ड करना होगा जो भी आप अथॉरिटीज़ हैं आपकी वो पीरियॉडिकली आपको ट्रेस करेंगी क्वान्टिट्टी आप कितना ही वेस्ट की कोांटिटी को आप ट्रेस कर रहे हो मतलब रिसाइकल उसके बाद कितना कर रहे हो उसके बाद ना एंड ऑफ द रिज़ल्ट उसमें से रिकवरी कितनी हो रही है तो न्यू नोटिफिकेशन हालांकि वो पी यानी कि प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन से दूर है क्योंकि डिसमेंटल जितने भी, है, भी हैं रिस्पांसिबिलिटी जितने भी ऑथोराइज हैं उनसे नहीं अभी इतना नोटिफिकेशन इनसे अभी दूर भाग रही है बिकॉज दे विल हैव टू कलेक्ट अ क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट तो कह रहा है कि देखो एक तरफ तो एफिशिएंसी की बात हो रही है कि भाई एफिशिएंट ई वेस्ट रिसाइकलिंग होना चाहिए लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें ना कि भाई नोटिफिकेशन में ना पीआरओ आर डिसमेंटलर्स और रिसाइकलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी ऑथराइज रिसाइकलर कौन होगा तो दे विल हैव टू कलेक्ट अ क्वांटिटी ऑफ वेस्ट रिसाइकल देम जनरेट कैसे करना है डिजिटल सर्टिफिकेट थ्रू द पोर्टल तो यानी कि ना एक अभी ना बिट मायोपिक है यानी कि कैन कॉज इनिशियल टर्बुलेंस तो दिखाएगा ही क्योंकि ना वेयर द इनफॉर्मल चैनल्स को मे ट्राई इट एंड सीक बेनिफिट फ्रॉम कैसे उनको मिलेगा तो पी का ठीक से काम करना उसकी क्लियर कट रिस्िपॉानसिबिलिटी उसे पता होनी चाहिए क्योंकि जो पी आर ओ होगा डाटस प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन वो एक इंटरमीडियरी होगा आपका प्रोड्यूसर और फॉर्मल रिसाइकलर के बीच का वो ही कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स को बिट करेगा फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड अरेंज करेगा सर्टिफाइड ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग तो ही काम अच्छे से हो पाएगा उसके बाद कह रहे हैं फ्रेश चैलेंजेस क्या इमर्ज हो सकते हैं तो कह रहा है जैसे ना कंपनी दा नो लॉन्गर रिक्वायर टू एंगेज विद पी आर ओ एंड डिसमेंटल्स क्यों क्योंकि क्यों वो पार्शली ना डबल वेरीफिकेशन करा देंगी इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसाइकलिंग अब इनफॉर्मल सेक्टर के साथ क्या है कि वो बहुत रोल प्ले करते हैं आपका बहुत उनका क्रुशल रोल होता है ई वेस्ट हैंडलिंग में और उनको ना कोई रिकोगनीशन ना आपके न्यू रूल्स में नहीं दी गई है उनको इलीगेलिटी काउंट करा गया है ठीक है तो इनफॉर्मल सेक्टर ना एक तरह का फेस ऑफ ई वेस्ट डिस्पोजल है इंडिया में जिसमें 95 परसेंट जो आपका ई वेस्ट है ना वो इसी सेक्टर के थ्रू चैनलाइज होता है प्लीज़ अंडरस्टैंड कि सोचो जिस चैनल के थ्रू 95 फाइव परसेंट ई वेस्ट हो रहा है उसके बारे में आपने ठीक से रिकोगनाइज़ नहीं किया उस सेक्टर को फिर ये कह रहा है देरफोर दे ऑल्सो होल्ड इमेंस पोटेंशियल कि वो अपना स्टेट ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद ये कह रहा है कि हर प्रोसेस में आपका जो ई वेस्ट कलेक्शन है सेग्रीगेशन है रिसाइकलिंग इन फॉर्मल सेक्टर का वो हरार्कली होना चाहिए लास्ट स्टेज क्या बचती है कि मेजर कंसर्न जो है वो है कि ई e वेस्ट को हैंडल ओवर टू द इनफॉर्मल डिसमेंटर यानी जो यानी कि जो रेस्ट ऑफ द स्टेजेस हैं कि मिक्स वेस्ट का कलेक्ट करना सेग्रीगेशन करना क्लस्टर एक्मिलेट करना ये सारे के सारे, सारे। इसमें ना डू नॉट इन्वॉल्व एनी हेज आर प्रैक्टिस एंड शुड इन फैक्ट स्ट्रैटेजिकली अगर हम इसको यूज़ करें बेटर कलेक्शन ई वेस्ट का तो हो जाएगा फॉर इंस्टेंस दिल्ली में दिल्ली बेस्ड एक ना पी आर ओ है डाटस प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है करो संभव ये एक इंटीग्रेटेड इनफॉर्मल एग्रीगेटर है गाइस इसने कलेक्शन मैकेनिज्म को बहुत अच्छा करा है तो दिस इनिशिएटिव इनिशियटिवेज एंटर स्ट्रक्चर सिस्टम एंड द इनफॉर्मल सेक्टर ऑल्सो हैज एन एडवाटेज इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल एंड द लीगल सिक्योरिटी तो कह रहा है देखो अगर हम ना ठीक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज करेंगे तो दिस विल बिकम अ गुड न्यूज फॉर आस कि भाई देखो जैसे डेली बेस पी आर ओ में हुआ उसके बाद ये कह रहा है कि कंज्यूमर्स को कुछ पता ही नहीं होता है बहुत लिटिल पता होता है पता भी होता है तो कह रहे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो दिल्ली में हैं उन्होंने अभी तक भी कलेक्शन सेंटर्स नहीं बनाए हैं कुछ ब्रांड्स खाली अपने आप को लेबल करते हैं कि भाई उनका जो हेड ऑफिस है वो आउटस्क्रिट्स ऑफ डेली में है ठीक है वही कलेक्शन पॉइंट है उनका तो सिमिलरली जितनी भी फॉर्मल कंपनीज़ हैं वो लो है नंबर में क्लस्टर्ड जो है मटरबोलीस में वो डोर स्टेप तक कलेक्शन कंज्यूमर से लेके कर आ ही नहीं पाते ठीक है ना तो ऑन द अदर हैंड ना कंज्यूमर्स लैक अवेयरनेस उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है सर्विसेज के बारे में देखो तुम, कितने लोग घर पे अपने कॉल करके बुलाते हो जब भी कोई मोबाइल फोन्स या भी कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है तो आप कितने लोग हो जिसमें कॉल करके बुला के उनको देते हो आते हैं पता है आपको उनको ना कॉल करके बुलाया जा सकता है तो कॉल करो वो लोग आते हैं आपका वो सामान लेके चले जाते हैं जैसे जंक लीडर आता है ना ऐसे ई वेस्ट जंक लीडर भी होता है वो भी आता है तो उसके बाद अब देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ना ऑन द अदर इंज मैम बता दिया मैंने आपको तो इसको करने के लिए ना इसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए क्या ज़रूरत है तो कह रहा है कि स्टेक होल्डर्स मस्ट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन एंड इंटेंशन भी होनी चाहिए कि वो सेफली डिस्पोज करें ई e वेस्ट को और बहुत ज़रूरी है कि साइमल्टेनियसली कंसिस्टेंट एफर्ट की जाए कि कंज्यूमर भी अवेयरनेस बढ़े और आपकी रिवर्स लॉजिस्टिक स्ट्रेंथन भी हो आपका और बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स ठीक है उसके बाद आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना ज़रूरी है आप इन्हांस करो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग को अपनी ताकि उसमें इस तरह की चीज़ें ना हो ना कि आप बिल्कुल ही अपने प्रोडक्ट्स की वर्कशिप पर आ गए हो कि फिर प्रॉफिट दिख रहा है कैसे बना रहे हो कैसे लेबल कर रहे हो इस तरह की हरकत नहीं करनी है दिस शुड बी सप्लीमेंटेड बाय स्टेबलिशिंग रोब रोबस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग सिस्टम तो बनाना ही होगा ऑन द ग्राउंड और इसको एक रिस्पॉन्सिव तरीके से ताकि हम लेजिसलेटिव रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर पाएँ और साथ ही साथ हमें डिफाइन भी करना होगा इनपुट कंट्रोल जैसे कि रे अर्थ मेटल्स क्या है क्रिटिकल रॉ मेटेरियल्स क्या है ग्रीन प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी होंगी गाइस दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर ऑलसो ब्यूटिफुल आर्टिकल यू कैन इवन एड इन योर नोटबुक्स कि जहाँ पर भी आप अपना जी एस ट्री इन्वायरमेंट सेक्शन लिख रहे हो ना वहाँ पर इस सेक्शन को ज़रूर डालना ई वेस्ट कलेक्शन में इट फ्यू टोबैको यूजर्स इन दी सदर्न स्टेट देखा कि ना यहाँ पर बात कर रहा है इसे ना मैप बना दिए हैं मैप बना के ना यहाँ पर बताया जा रहा है कि ना जो शेयर स्मोकर्स है ना इंडिया में वो डिक्लाइन कर रहा है लेकिन जो स्मोकलेस टो कंजम्शंस है वो अभी भी नहीं रुक रही है जिस ना ये जो कंक्लूजन स्मोक सिग्नल्स पे बताया गया है किस कंक्लूजन पे बेस्ड है याद रखना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव और फोर ठीक है एंड थ्री तो ये कह रहा है कि जितने भी मेल स्मोकर्स वर स्मोकर शेयर ऑफ वुमेंस स्मेकर नेग्लेजेबल अक्रॉस मोस्ट स्टेट ठीक है अपना यहाँ पे इसने बताया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है ना वहाँ पे कंजम्पशन ऑफ टोबैको अमंग मैन इन बोथ टर्म जैसे स्मोकेबल याचल फॉर्म्स में वो बहुत हायर है इफ़ यू कम्पेयर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया इन 2019 थाउजेंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी तो यानी कि जो स्मोकेबल फॉर्म्स कंसिडर किए जाते हैं सबसे ज़्यादा हायर आपको नदर्न स्टेट में मिलेंगे हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड जे एंड के यहाँ पर ठीक है और यूटीज में भी जे एंड के यू और ईस्टर्न स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी अच्छा फॉर्म वर् कंसिडर डिक्लेयर दो शेयर वॉज हायर इन आपके ईस्ट में भी झारखंड बिहार में भी होता है लेकिन सदर्न स्टेट में क्या हो रहा है आपका कम हो गया रिलेटिवली विध रिगार्ड टू फॉर्म्स ऑफ टोबैको कंजम्पन उसके बाद ना यहाँ पर मैप में यही बताया हुआ है सारे मैप्स में कि भाई कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट्स में आपको ज़्यादा मिलेगा ठीक है तो 15 से 49 जो मेल ग्रुप है ना मैप वन में वो दिखा रखा है कि वो बहुत ज़्यादा सिगरेट बीड़ी वगैरह लेते हैं हुक्का वगैरह भी लेते हैं और स्मोकर्स आर लो इन साउथ वॉज इवन इन इवन लोअर एंड वेस्टर्न स्टेट्स गुजरात महाराष्ट्र में भी कम है लेकिन जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको ये स्मोक ज़्यादा मिलेगा ठीक है ऐसे ही अलग अलग मैप्स में यहाँ पर ना परसेंटेज देनी हैं तो यहाँ पर ना हेल्थ इकनॉमि हैं उन्होंने कहा कि ना रिडक्शन अगर सिगरेट स्मोकिंग में हो जाता है तो उससे आपका क्या होगा मे बी एंट्रीब्यूट इंक्रीज इन द प्राइज ऑफ द कमोडिटी ओवर टाइम तो जैसे प्राइस ऑफ बी डी एजेबल फॉर्म्स हैं उनका इतना इंक्रीज़ नहीं होता क्योंकि उनको इतना कंजम्पन टू नॉट हैज नॉट रिड्यूज मच क्योंकि कंजम्पशन इतनी रुकती नहीं है तो वन आफ्टर जी एस टी इंप्लीमेंटेशन सिगरेट प्राइस हैव इंक्रीज मच तो ये सब यहाँ पर दे रखा है इसमें स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है तो आपको मेन देरली याद क्या रखना था कि भाई ऐसा एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है जिसमें कि ऐसा दिखाया गया है ठीक है न्यू स्टार क्रिएटिव अभी हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले तो आपको बिल्कुल याद रखना है वो क्या थी थोड़ा सा हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है देखो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन टू थाउजेंड ट्वेंट अभी फेबर ट्वेंटी थ्री को था है ना यूक्रेन रशियन वॉर आपको पता ही एक साल का हो गया है अब न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी है क्या देखो यहाँ पर ना पहले तो देखो इसमें बुरी हिस्ट्री बताई हुई है कि पहला फॉर्मल डायलॉग हुआ जिसको हम सॉल्ट कहते हैं स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक हुई थी यूएस और आपके यूएसआर के बीच में तो इसको फिर लेकर आया गया 1969 में फिर एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ट्रीटी हुई जिसमें कि बोला गया कि जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं शूटिंग डाउन करने की ज़रूरत है उनको साइन कब हुई 1972 में फिर ये सारी की सारी जो ट्रीटीज है ना गाइज आपको सिंपल याद रखना है कि हमें न्यूक्लियर आर्सनल्स को कम करना है अब स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी कि जो स्टार्ट वन था वो 1991 में साइन हुआ और एक्सपायर कर गया 2009 में फिर अनदर ट्रीटी हुई ठीक है सॉर्ट ऑफ मॉस्को ट्रीटी साइंड इन टू थाउजेंड टू न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने रिप्लेस कर दिया इसको फिर फिर इसमें क्या कहा गया था कि दोनों ही पावर्स 90 परसेंट अपना जो भी होल्ड करते हैं उसमें एग्रीमेंट करेंगे कि भाई उसको लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर वेपन है ना तो उसके बाद न्यू स्टेटी साइन का भी 2010 में हुई थी कि कौन कौन प्रेसिडेंट्स थे तो ये देखो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे रशियन प्रेसिडेंट एमेट्रीमेड थे वो उसमें कब भाई टू के अंदर फिर इसको पाँच साल के लिए एक्सटेंड करा गया तो इस ट्रीटी में था क्या इस ट्रीटी में यही था कि, कि भाई अमेरिका एंड रशिया जो है वो कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन वन लैख थाउजेंड फाइव न्यूक्लियर वार को हम नहीं डिप्लॉय करेंगे और मोर देन आपके यहाँ सेवन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और पॉम्बस नहीं फेंकेंगे इसमें ये आपका दे रखा है था? अच्छा इसमें ना एक ऑर्गन वाला चिप पे बात की गई है तो यहाँ समझ लो ऑर्गन चिप्स क्या होते हैं देखो ऑर्गन चिप्स ना स्मॉल डिवाइस होते हैं ह्यूमन सेल्स में डाले जाते हैं तो मिमिक करने के लिए कि इन्वायरमेंट ह्यूमन ऑर्गन का पता चल पाए ह्यूमन अब ह्यूमन ऑर्गन में इन्वायरमेंट क्या होगा ब्लड फ्लो जानने के लिए ब्रीदिंग मूवमेंट जानने के लिए ठीक है सिंथेटिक इन्वायरमेंट अब देखो ये क्यों सिंथेटिक इन्वायरमेंट की तरह काम करेगा ऑर्गन चिप किसी भी नए ड्रग को टेस्टिंग के लिए करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है लेकिन अब तो क्योंकि पहले क्या होता था नया ड्रग अगर आप मार्केट में ला रहे हो बड़ा एक्सपेंसिव होता था आपके लिए पहले कम केमिकल कंपाउंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिर उस कंडीशन में उसको ट्रीट करना पड़ेगा तो बहुत आपको उसके बाद एनिमल्स पर उसको लगाना पड़ेगा है ना तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था तो अब इस चैलेंज को दूर करने के लिए साइंटिस्ट नया मॉडल लेकर आए हैं कि आप मिमिक करो ह्यूमन डिजीज़ को तो उसके लिए अच्छा मॉडल क्या है ऑर्गन ऑना चिप मॉडल ठीक है तो ये एक आपका इसके अंदर आ रखा है तो उसके बाद बता रखा है ऑर्गन चिप्स इन इंडिया में क्या इसका यूज़ होगा तो कह रहा है कि एक ग्रुप है उसमें एज डेवलप द स्किन ऑन द चिप मॉडल टुगेदर है ना एक यूज़ करा गया ताकि करेंटली स्टडी करने के स्किन इरिटेशन एंड टॉक्सिसिटी पे भिजाने के लिए यूज़ करा जा रहा है ऐसा तो इंडिया में भी ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं हो रहा है इंडिया में भी फ्यू रिसर्च ग्रुप हैं जो ऐसा ऑर्गन ऑन चिप मॉडल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है डायरिया इज टू the efficacy ऑफ द ड्रग को जानने के लिए पर्टिकुलर डिजीज में इन द प्रेजेंस ऑफ मेसी organ interaction तो उसको जानने के लिए गए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन ऐसा ट्राई किया जा रहा है ठीक है चलो अब एक वर्ड आया था गाय पैजिनेशन पैजिनेशन का याद रखना मतलब क्या होता है नंबरिंग पेजेस पे काउंट लिखना ठीक है सिस्टम ऑफ नंबरिंग पेजेस तो इस नॉन जैसे इसका फोलियो पेज नंबर पेजिंग करना तो जैसे इसमें एक आपका यूसेज भी बता रखा है हाउ टू यूज़ दिस फोर तो प्लीज चेक द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट थोरली इज ऑफन केयरलेस विद दिस पेजिनेशन ठीक है तो दिस इज हाउ गाइस इंप्रूव योर इंग सेक्शन आल्सो बिकॉज यू हैव टू यूज इट इन योर आंसर्स एंड इन द इंटरव्यूज सो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए यू का याद रखना यूजिंग ए आई टू अपग्रेड फिंगर प्रंट टेक्नोलॉजी को करने के लिए किया जा रहा है यू का फुल फॉर्म याद रखना यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक इन हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है जो रोबस्टनेस के साथ अपना काम कर रही है इंप्रूव कर रही है फिंगर प्रिट ऑथोराइजेशन को ऑथेंटिकेशन को ठीक है ताकि जैसे जो भी स्पूफिंग अटैम्प्टस लिए जाते हैं ना वैसे आपको ना दो टर्म्स याद रखनी है स्पूफ एक तो आपने यू का फुल फॉर्म याद रखना है दूसरा स्पूफिंग अटैम्प्ट होते हैं स्पूफिंग so, अटैम्प्ट का मतलब होता है विच वी आर डुप्लीकेट्स ऑफ अ फिंगरप्रिंट वर यूज टू कैरी आउटर ट्रांजेक्शन इम प्रॉपरली तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग से क्या होगा इस तरह की सिक्योरिटी आपको मिलेगी स्पूफिंग अटैम्प्ट किए जाए ठीक है ये चीज़ें ध्यान रखनी है अच्छा कर्नाटका बेस्ट इक्विप्ट सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी एक रिपोर्ट में आया तो रिपोर्ट की कौन किसने दिए है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की एक रिपोर्ट है गाइस एंड एम्बर इन्होंने बताया कि कर्नाटका एक सबसे बेस्ट स्टेट है जो फुल्ली आपका इक्विप्ड है पावर सिस्टम जो अपना कैसे यूज़ कर रहा है रीन्यूबल एनर्जी के थ्रू यूज़ कर रहा है क्योंकि देखो इंडिया ने वादा करके है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का पार्ट इंडिया ने कमिट किया है कि वो हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी को नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से यूज़ करेगा और इमिशंस को रुकेगा बाई फोर्टी फाइव में उसका रोल कम करेगा कैसे बाई ट्वेंटी ठीक है कैसे करेगा ऑब्वियसली स्टेज को यूज़ करना पड़ेगा है ना तो यहाँ पर ना देखा रहा है कि परफॉर्मेंस फो, जो फोर ब्रॉड पैरामीटर्स पे ली जाती है कि डिकार्बनाइजेशन कितना हुआ परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम रेडिसनेस सिस्टम ऑफ़ पावर इको सिस्टम और योर पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल जो आपके कमिटमेंट्स हैं वो आप कैसे हो रहे हैं तो कर्नाटका ने सब स्कोर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ठीक है द शॉर्टेज ऑफ नाइन मिलियन यूनिट्स इज द टोटल मैंने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रहा देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना कर्नाटका स्कोर वेल एज इट हैॉज़ एबल टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू मीट ऑलमोस्ट ऑल इट्स बार रिक्वायरमेंट ठीक है शीट ऑल्सो सीज टारगेट बेस्ट एग्रीगेटिंग समथिंग लाइक दसिसटेंट परसेंट उसका फीडर्स एंड ऑल तो उसके बाद आप देखो आंध्र प्रदेश ने उसके बाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है गुजरात अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट है कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड गुजरात इन टर्म्स ऑफ रिन्यूबल एनर्जी सप्लाई लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इन पैरामीर्टर्टर्टर्टर्ट्स पर कौन से पैरामीटर जो मैंने आपको बताया अभी ठीक है इन पैरामीटर्स को याद रखना तो कौन से स्टेट्स नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिहार हरियाणा एंड यू दिस इज दल अबाउट द स्टूडेंट न्यूज पेपर थैंक यू सो मच